Hi guys, welcome back to my channel. Mera naam hai Monica and in this video I am going to share with you some packing tips before you come to Canada. तो अगर आप एज स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं या फिर एज ए परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हैं या फिर ऑन वर्क परमिट आ रहे हैं तो आई रियली रियली होप कि ये टिप्स आपको काफी हेल्प करेंगे. सो वॉच टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, पेपर्स की, जो आपको अपने साथ लेके आने चाहिए. तो गाइस मेक श्योर कि जब आप वहाँ से आ रहे हो, आई मीन इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड ब्रिंग योर सर्टिफिकेट्स विद यू. क्योंकि जब आप अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लेके आते हो, यू इवेल्युएट देम, यू हैव टू आई मीन अप्लाई फॉर इवेल्युएशन ऑफ योर सर्टिफिकेट्स. तो इससे आपको अपनी लेवल ऑफ स्टडी का पता लगता है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्सेज चूज कर सकते हो. आई मीन जो भी आप स्टडी करना चाहते हो यू कैन डू दैट. और इसके बाद आ जाता है आपके रिज्यूम. यू शुड ब्रिंग योर रिज्यूम हियर, आई मीन अ लॉट ऑफ कॉपीज, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो यू माइट हैव टू अप्लाई फॉर अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ कॉपीज ऑल्सो. सो यस, फॉर दैट आई मीन यू शुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज विद यू. इवन कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हो तो उसके साथ आपको उनकी कॉपीज भी कैरी करनी चाहिए. सो इट्स बेटर, क्योंकि जब आप यहाँ पे नए नए आते हो, यू डोंट नो नथिंग, सो यू डोंट वांट टू लाइक गो हियर एंड देयर एंड लुक फॉर आई मीन स्टफ वेयर यू कैन कॉपी, वेयर यू कैन डू दिस, वेयर यू कैन डू दैट. सो इट्स बेटर कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो. आई मीन कॉपीज जो है हमेशा अपने साथ ही कैरी करो. और जो दूसरे पेपर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर की दी हुई कोई भी मेडिसिन यहाँ पे लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि यू हैव द प्रिस्क्रिप्शन पेपर आल्सो विद द मेडिसिन. एंड ऑन द अदर साइड इफ यू आर ब्रिंगिंग ज्वेलरी फ्रॉम योर कंट्री, सो यू शुड हैव द पेपर आल्सो विद दैट, आई मीन द इवेल्युएशन पेपर फॉर द ज्वेलरी. यस, तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में और पेपर्स जो आपको वहाँ से अपने साथ कैरी करने चाहिए. तो अब हम बात करेंगे किचन के बारे में, किचन का कौन सा सामान आपको यहाँ पे लेके आना चाहिए, और आई मीन कपड़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में. तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूँगी. तो अब हम बात करेंगे किचन के सामान की, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हो. तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो ऑफकोर्स यू नीड लिटिल स्टफ विद यू, जैसे कि थोड़े बहुत मसाले आप अपने साथ कैरी कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि जो मसाले हैं वो प्रॉपर पैकिंग में, जो छोटे छोटे वो आई मीन जो छोटी सी डब्बियाँ वो मिल जाती हैं फ्रॉम द स्टोर्स, यू कैन ब्रिंग दोज विद यू. एंड द अदर साइड अदर थिंग्स यू कैन ब्रिंग विद यू, दोज यूटेंसिल्स, जैसे कि पैन हो गया, कढ़ाई हो गई, तवा हो गया और बेलन हो गया, एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर द प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. इट्स लाइक वेरी वेरी फास्ट कुकिंग, यू नो. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलती नहीं है, लेकिन जब आप बिगिनिंग में किसी न्यू कंट्री में आ रहे हो तो आपको वहाँ का माहौल, वहाँ का के स्टोर्स कहाँ पे क्या है वो समझने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है. तो जस्ट फॉर द बिगनिंग, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, यू कैन ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स विद यू, स्पेशली द स्पाइसेस एंड द अदर स्टफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग विद यू, बट इन स्मॉल पैकिंग, नॉट इन बिग पैकिंग. आई मीन कहीं ना कहीं जो यूटेंसिल्स आप अपने साथ लेके आते हो उसका आपको यहाँ पे आके फायदा ही होता है, क्योंकि प्राइजेस कंपेयर करें तो यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो इंडिया के कंपेयर में एक्सपेंसिव हैं. तो ये था अबाउट किचन. तो अब हम बात करेंगे क्लोथ्स के बारे में, शूज के बारे में. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो समर में फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन यू कैन ब्रिंग योर फेवरेट टी शर्ट्स विद यू, यू कैन ब्रिंग सम पेयर ऑफ जीन्स विद यू. लेकिन अगर आप आ रहे हैं सर्दियों में तो यस, यू शुड ब्रिंग सम वार्म इनर वेयर्स एंड फुल स्लीव्स. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग सम फुल स्लीव्स क्लोथ्स विद यू, स्पेशली आई मीन कॉटन टी शर्ट्स. और अगर आप हुडीज पहनना पसंद करते हो देन यू कैन ब्रिंग लाइक 3-4 हुडीज विद यू. लेकिन जो विंटर जैकेट है, विंटर बूट्स है, वो आपको यहाँ से ही बेटर मिलेंगे यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यहाँ का वेदर और वहाँ का हमारे इंडिया का वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. आई मीन यू विल नेवर गेट द सेम क्लोथ्स ओवर देयर फॉर द वेदर, आई मीन द टाइप ऑफ वेदर हियर. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ नाइस सूट विद यू, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो जॉब इंटरव्यू लिए अगर आप जा रहे हो ऑफकोर्स यू नीड अ नाइस आउटफिट विद गुड बूट्स, सो यू कैन ब्रिंग दोज थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो.
And the last thing in clothes is like your traditional wear clothes. तो यहाँ पे लेट्स से अगर आप आके कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हो या फिर दूसरा कोई अगर लेट्स से आप टेंपल में जा फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू वांना वेयर समथिंग ट्रेडिशनल. सो यस, यू कैन ब्रिंग वन और टू पेयर विद यू ऑफ योर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप बाय करते हो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन कंपेयर ऑफ इंडिया. सो यस, दीज आर द क्लोथ्स एंड अबाउट शूज एंड अबाउट बूट्स. तो अगली चीज़ जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है अबाउट योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड फॉर द गर्ल्स स्पेशली, यू नो, फॉर द मेकअप. तो अगर आप मेकअप लेके आ रहे हो अपने कैरी बैग में, अपने पर्स में, तो आप जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत बड़ी पैकिंग ना रखो. सो जस्ट पुट अ लिटिल लिटिल बिट, बट द अदर स्टफ लाइक द बिग पैकिंग, यस ऑफ कोर्स यू कैन पुट इन योर लगेज. लेकिन जब द स्किन केयर बॉडी वॉश, आई मीन फेस वॉश, डू नॉट ब्रिंग द बिग पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे आके जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि प्राइजेस का काफ़ी जो है वो फर्क है इन कंपेयर ऑफ इंडिया. आई मीन हर दूसरे दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल पे लगा रहता है, तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड बेटर डील्स, बेटर प्राइजेस हियर इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स. बट यस, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज यू कैन ब्रिंग योर बॉडी वॉश, योर शैम्पू, योर फेवरेट लाइक क्रीम, एनीथिंग फ्रॉम देयर. बट नॉट इन अ बिग बिग पैकिंग, जस्ट इन अ स्मॉल पैकिंग, देर इज नो प्रॉब्लम. और जो अगली चीज है वो है आपके ग्लासेस. तो अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे दो तीन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप बाय करते हो तो ऑफ कोर्स द प्राइसेस आर डिफरेंट, इट्स एक्सपेंसिव इन कंपेयर ऑफ इंडिया. तो यस, मेक श्योर यू ब्रिंग योर ग्लासेस ऑल्सो विद यू. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक. तो स्पेशली गर्ल्स के लिए, आई मीन अगर आप स्ट्रेटनिंग आयरन वहां से लेके आना चाहते हो या फिर ब्लो ड्रायर लेके आना चाहते हो, माय सजेशन इज डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें जो है वो काम नहीं करेंगी. सो बट आई मीन व्हेन यू कम हियर यू विल फाइंड बेटर डील्स आल्सो हियर. सो आई मीन यू कैन बाय फ्रॉम हियर. और दूसरी चीज़ जो है वो है लेट्स से अगर आपके पास आपका लैपटॉप है वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपके पास सेलफोन है, यस यू कैन ब्रिंग दोज आइटम्स आल्सो फ्रॉम देयर. अगर वहाँ पे आपके पास लैपटॉप नहीं है, माय सजेशन इज डोंट बाय फ्रॉम देयर, डोंट ब्रिंग लैपटॉप फ्रॉम देयर. यू कैन बाय फ्रॉम हेयर वेन यू कम, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डील्स अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, वारंटी मिल जाती है. तो इवन कि दे हैव सम रिफर्बिश्ड आइटम्स ऑल्सो यू कैन बाय. तो एंड ऑन द अदर साइड अगर हम सेलफोन्स की बात करें, अगर आपके पास अपना पुराना सेलफोन कोई आप यूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग योर सेलफोन विद यू. लेकिन यहाँ पे जो सेलफोन्स हैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं विद कॉन्ट्रैक्ट, और इवन इफ यू वॉन्ट टू बाई योर सेलफोन, यस आई मीन यू विल गेट ग्रेट डील्स फ्रॉम हेयर. इन द एंड मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि आपको अपने कैरी बैग में क्या क्या लेके आना चाहिए. तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि यू शुड ब्रिंग योर वॉर्म कैप विद यू, यू शुड ब्रिंग वॉर्म स्कार्फ विद यू, स्वेटर, नाइस शॉल और आई मीन नाइस हुडी, क्योंकि रास्ते में यू विल फील कोल्ड, दैट्स फॉर श्योर. आई मीन इन द प्लेन यस वी फील कोल्ड. तो यस, यू शुड ब्रिंग दोज थिंग्स, लिटिल बिट आई मीन वॉर्म क्लोथ्स विद यू. एंड अगर आप मनी की बात करें तो यस, आप यू शुड ब्रिंग एटलीस्ट अराउंड लाइक $1,000 अगर आप रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत परचेज करना चाहते हैं. आई मीन अगर आप एज स्टूडेंट आ रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर मनी अनलेस यू रियली नीड समथिंग, क्योंकि जो फर्स्ट फ्यू डेज हैं यहाँ पे यू माइट नीड मनी. गर्ल्स अगर आप थोड़ा बहुत अपना मेकअप का या फिर स्किन केयर का जो सामान है वो आप कैरी बैग में या फिर अपने पर्स में लेके आना चाहते हो, ऑफकोर्स यू कैन ब्रिंग. लेकिन द थिंग इज यू हैव टू ब्रिंग वेरी वेरी स्मॉल पैकिंग, आई मीन एंड इट शुड बी ओपन, इट शुड बी लाइक ब्रैंड न्यू ब्रैंड न्यू. तो आई मीन अगर वो यूज है तो पैकिंग काफ़ी छोटी है. आई थिंक येस यू ऑफकोर्स यू कैन ब्रिंग दोज थिंग्स इन योर बैग. एंड फॉर योर सेलफोन यू कैन बाय दोज यूनिवर्सल अडॉप्टर्स, क्योंकि इंडिया से यहाँ तक की जो फ्लाइट है उस आई मीन इट्स इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट, एंड यू माइट हैव टू चार्ज योर फोन ऑन द वे वेन यू आर वेटिंग फॉर योर फ्लाइट, आई मीन वेन यू हैव कनेक्टिंग फ्लाइट. सो यू शुड बाय दोज अडॉप्टर्स, इट विल हेल्प यू अलॉट वेन यू वॉन्ट टू चार्ज योर फोन एट द एयरपोर्ट. एंड गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप किसी का सामान यहाँ पे लेके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की मेडिसिन यहाँ पे लेके आ रहे हो स्पेशली
डोंट फॉरगेट टू कीप द प्रिस्क्रिप्शन पेपर विद यू बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव एनी ट्रबल ऑन द एयरपोर्ट. और दूसरा जो है, अगर कोई भी आपको सामान पैकिंग में देता है यहाँ पे लाने के लिए, सो ऑलवेज ओपन द पैकिंग एंड मेक श्योर द स्टफ इज सेफ टू ब्रिंग हियर इन कैनेडा. आई मीन यू डोंट वांट टू हैव एनीथिंग एनी प्रॉब्लम एट द एयरपोर्ट. सो गाइज, दीज वर द टिप्स एंड आइडियाज फॉर पैकिंग व्हेन यू आर मूविंग टू कैनेडा. आई रियली रियली होप कि ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे. तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करूंगी. आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी, बाय.